अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का 2 अप्रैल 2020 का जो हमारा इंग्लिश वीक का लेक्चर है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और मुझे उम्मीद है कि आपने फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की भी प्रैक्टिस की होगी। जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप देख रहे हो, मैंने कॉपी पे ये सारा नोट किया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें कोई काम है जो मुस्तकबिल में मुकम्मल होना हमें ज़ाहिर हो कि मतलब मुस्तकबिल में हम ये काम ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे, तो उर्दू फ़िकरात में इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िकरात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह, इस तरह के वर्ड्स जो है हम यूज़ करते हैं। और अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स देखें तो हेल्पिंग वर्ब्स आप देख सकते हो कि शैल हैव और सेकेंड है विल हैव, बिल्कुल उसी तरह से शैल हैव मतलब आई एंड वी के साथ, और विल हैव ही शी इट यू दे, इस तरह के जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम यूज़ करेंगे। तो फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सेंटेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव है, और उसके लास्ट में इंटरोगेटिव है, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में फार्मूला है सब्जेक्ट और फिर शैल और विल, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने सेंटेंस किस तरह बनाना होता है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर शैल और विल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने होते हैं, उसके साथ हमने हैव यूज़ करना है, उसके साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। जैसे फर्स्ट आपकी एग्जांपल है मैं खाना खा चुकी होंगी, तो सब्जेक्ट की जगह पे मैं मीन्स आई, और हेल्पिंग वर्ब आई के साथ कौन सा आएगा, शैल, शैल के साथ हैव, और थर्ड फॉर्म वर्ब की जैसे मैंने बोला कि थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, ईट, एट, ईटन, तो ईटन थर्ड फॉर्म आ रही है, ईटन और खाना मील, ठीक है। अब सेकेंड है स्कूल बंद हो चुका होगा, तो द स्कूल, और स्कूल के साथ आएगा विल, हैव, और थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, ओके। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल विल, फिर नॉट, और फिर थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं खाना नहीं खा चुकी होंगी, नहीं शो कर रहा है नेगेटिव को, तो आई शैल नॉट हैव ईटन मील, फॉर्म ऑफ वर्ब वही रहेगी, फॉर्म ऑफ वर्ब हम चेंज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे शैल नॉट हैव आएंगे नेगेटिव में। अब स्कूल बंद नहीं हो चुका होगा, द स्कूल विल नॉट हैव क्लोज्ड, ओके। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आ गए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो स्टार्ट में आ जाते हैं, शुरू में आ जाते हैं, जैसे शैल और विल यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया, फिर सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, फिर हैव और थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, और उर्दू में शुरू में आ जाएगा क्या, जैसे क्या मैं खाना खा चुकी होंगी, तो शैल आई हैव ईटन मील, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, और क्या स्कूल बंद हो चुका हो होगा, विल द स्कूल हैव क्लोज्ड, ओके, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। और आपने ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होमवर्क करना है अपनी इंग्लिश की नेट कॉपीज़ के ऊपर, और प्रैक्टिस में आपने रफ रजिस्टर या रफ कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और इन दो एग्जांपल्स के अलावा ख़ुद से आपने न्यू एग्जांपल्स बनानी है और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। थैंक यू।